हेलो नमस्ते एवरीबॉडी, माई सेल्फ आकांक्षा हियर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ टू रिमेंबर योर क्रेनियल नर्व्स। अब क्या होता है, कई बार आप याद नहीं रख पाते कि आपके कितने क्रेनियल नर्व्स हैं और किसकी पोजीशन क्या है, कौन से फर्स्ट पे, कौन से सेकेंड, टेंथ पे। कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है, उसके साथ साथ कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, इसमें भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। बट डोंट वरी, हियर आई एम विथ माई अमेजिंग ट्रिक। तो आपको ट्रिक बता देते हैं, उससे पहले आपके जो टेक्स्ट बुक में ये जो आपको टेबल दिया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल आपका 12 तक उन्होंने बताया हुआ है कि आपके नर्व्स हैं। फर्स्टली आपका ऑल्फैक्ट्री आता है, दूसरा आपका ऑप्टिक आता है, तीसरा आपका ओक्यूलोमोटर आता है, फोर्थ आपका पैथेटिक आता है, फिफ्थ आपका ट्राइजेमिनल होता है, आपका फोर्थ आता है, नहीं सिक्स्थ होता है आपका एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ होगा आपका फेशियल, ये वाला ऑडिटरी, ये आपका हो जाएगा ग्लोसो फिजल, ठीक है। और फिर होगा ये आपका वैगस, ये स्पाइनल एक्सेसरी, ये होगा आपका हाइपोग्लोसल। तो ये आपके 12 नर्व्स हैं। अब इनमें से कौन से मिक्स्ड हैं, कौन से सेंसरी, कौन से मोटर हैं, ये कैसे याद रखें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके कितने नर्व्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑल्फैक्ट्री, ठीक है। दूसरा होता है आपका ऑप्टिक, तीसरा होता है आपका ओक्यू मोटर, एक्यूलो मोटर, ठीक है। फिर फोर्थ वाला होता है आपका पैथेटिक, थेटिक। फिर आपको फिफ्थ मिलेगा आपका ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। फिर सिक्स्थ होगा आपका एब्ड्यूसेंट, फिर सेवेंथ होगा आपका फेशियल, सेवेंथ, एट्थ होगा आपका ऑडिटरी, उसके बाद ये हो जाएगा आपका नाइन्थ वाला ग्लोसो फेरेंजल गिल, उसके बाद आपका टेंथ वाला हो जाता है वैगस, फिर यहाँ पर आता है आपका स्पाइनल, फिर ट्वेल्थ आता है आपका हाइपो ग्लोसल। तो ये आपके 12 नर्व्स हो गए। अब आपका ट्रिक कैसे आप इनके पहले नर्व्स को याद करें, तो इसका ट्रिक है ऑन ओकेशन ऑफ पार्टीज, ऑन ओकेशन ऑफ पार्टीज द अट्रैक्टिव फेसेस अट्रैक्ट्स ग्रेटेस्ट, ठीक है, अट्रैक्ट्स ग्रेटेस्ट, ग्रेट ग्रेटेड एंड वेरी स्वीटली स्वीटली हाई। तो ये आपका ट्रिक है टू रिमेंबर, ऑन ओकेशन ऑफ पार्टीज द अट्रैक्टिव फेसेस अट्रैक्ट्स ग्रेट वेरी स्वीटली हाई। तो आपका ट्रिक है, ऐसे आप 1 to आपका 12th या आप लाइन टू लाइन आप जैसे आपको सीक्वेंस दे, उस सीक्वेंस में आप इसे याद रख सकते हैं कि आपका नर्व किस सीक्वेंस में आता है। अब हमने सीक्वेंस तो सीख लिया, अब दूसरी चीज़ क्या है, कौन सा सेंसरी, कौन सा मोटर है, आप कैसे याद रखें, उसके लिए हमारी ट्रिक है, यहाँ पर लिख देते हैं कहीं पर। ट्रिक है हमारी, सम सेज मनी मैटर्स मोस्ट, मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बायोलॉजी बुक मैटर मोस्ट, बायोलॉजी बुक मैटर, एक मिनट, बायोलॉजी बुक मैटर, यहाँ पर लिख देते हैं बायोलॉजी बुक मैटर मोस्ट। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर बी है,
बस आपको समझ आना, ये तो मोटर हो जाएगा MM, जहाँ जहाँ पर भी ये सीक्वेंस वाइज वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स्ड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि तीन आपके मिक्स होंगे लाइन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। तो 12 के 12 बस आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। तो सीक्वेंस हो जाएगा सम, सेस, मनी, मैटर, मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मनी मैटर मोस्ट, ये मिक्स्ड है ना आपका मनी मैटर बट, तो यहाँ पे हो जाएगा बट माय, तो यहाँ पे हो जाएगा बट माय ब्रदर, तो ब्रदर से वापस हो जाएगा बी से मिक्स्ड, सेस मनी, तो यहाँ से मनी मैटर, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे बट मनी मैटर बट योर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी बुक मैटर मोस्ट, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था ये टेबल को हमें याद रखना, जो कि ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आए और आप इसे अप्लाई कर पाएँ, ताकि आपको भी इजीली टेबल याद हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू, बाय।